मॉर्निंग फैमिली, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। भाई आज की मॉर्निंग तो बस खतरनाक आ रही है। क्यों खतरनाक क्यों आ रही है मेरे भाई? क्योंकि हमारी चार ट्वीट थी, मैं आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे याद दिलवा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे आपके बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए हैं कि आपने प्रॉफिट कमाया है क्रिप्टो मार्केट से, तो भैया आप ऐसे ही प्रॉफिट कमाएंगे, बस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, हमारी वीडियोज़ को देखिए, न्यूज़ पकड़िए और भैया ट्रेड लीजिए। सिंपल बात है, इसके अलावा कोई भी और फॉर्मूला क्रिप्टो मार्केट में पैसे कमाने का नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद कोई और ना बताए। पहले ट्रेड की बात कर लेते हैं अपनी। तो भाई चार ट्रेड है हमारी, एक है RNDR जो कि हमारी अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है, यू कैन चेक इट आउट, कल की वीडियो में डाला था। फिर एंकर कॉइन कल आपके सामने बाय करा था मैंने, वो हमारा प्रॉफिट में है। फिर बिटकॉइन की लॉन्ग मैंने आपको बता के रखी है, वो हमारी प्रॉफिट में। और एक ट्रेड GMT ट्रेड मेरे भाई, ये हमारी लॉस में चल रही है क्योंकि मार्केट कई बार अपोजिट भी चली जाती है। तो पहले 23% का लॉस था और अब जो लॉस रह गया है मात्र 8% का हमारा रह गया। वैसे तो हमने सब कुछ रिकवर कर लिया है, लेकिन फिर भी इस ट्रेड को भी हम पॉजिटिव में ही बंद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन अभी 23,300 के करीब ट्रेड कर रहा है, ठीक है? मेरे हिसाब से थोड़ी सी पोटेंशियल और है बिटकॉइन में ऊपर जाने की, तो मैं अपनी लॉन्ग होल्ड करके रखूँगा। एक्चुअली हो क्या रहा है मार्केट में, बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो गिर रही है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस जब भी गिरती है तो आपको ऑल्टकॉइन में पंप देखने के लिए मिलता है। अब एक अच्छी खबर आई है इंडिया से, इंडिया से खबर ये आई है कि अश्विनी वैष्णव, ये इंडिया के रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर एक पॉलिटिशियन है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये IAS ऑफिसर है, फॉर्मर IAS ऑफिसर है, तो यानी कि काफ़ी अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं। इनके ऊपर क्रिप्टो के बारे में पूछा गया कि भैया क्या प्लान है इंडिया का क्रिप्टो को लेकर G20 समिट के अंदर, ठीक है? तो इनका कहना है कि क्रिप्टो ऐसा करेंसी तो बेकार है, हम उसको नहीं ले सकते, वो तो हम भी कहते हैं भाई करेंसी के तौर पर आप इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन क्रिप्टो एज आ टेक्नोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन है, इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट का रुख चेंज होता दिख रहा है टूवर्ड्स क्रिप्टो इन इंडिया। अच्छी बात है भाई, होने दो, ठीक है? हम तो पहले ही कह रहे थे कि करो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर लेट भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आनी चाहिए, ठीक है? दूसरी अपडेट क्या है, दूसरी अपडेट ये है कि US के अंदर जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उन्होंने US के लोगों को वार्न किया है कि भैया आप क्रिप्टो को ट्रेड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग क्रिप्टो को रिटायरमेंट के तौर पे देखते हैं, यानी कि वो लोग देखते हैं कि भैया रिटायरमेंट के बाद हम ऑल्ट कॉइंस को होल्ड कर लेते हैं रिटायरमेंट तक, और हमारा जो रिटायरमेंट है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। तो US के जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उन्होंने वॉर्न किया है कि भैया क्रिप्टो को एज आ रिटायरमेंट स्कीम मत देखो, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होती है। अच्छी बात है मेरे भाई, हम तो हमेशा ही कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अपडेट क्या है, नेक्स्ट अपडेट साउथ कोरिया की तरफ से है। तो साउथ कोरिया की जो ऑफिशियल्स हैं वो आप सभी को पता है डोकॉन के पीछे पड़े हुए हैं, अब डोकॉन के पीछे मेरे भाई वो सर्बिया तक पहुंच गए हैं, है ना? आप सभी को पता है एक कंट्री है सर्बिया, ठीक है? सर्बिया में अभी डोकॉन है, तो जो साउथ कोरिया के रेगुलेटर्स हैं वो भैया वहाँ पर पहुँच गए। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में कुत्ते बिल्ली वाली जो है वो भागदौड़ चल रही है, ठीक है? नेक्स्ट अपडेट क्या है, अर्जेंटीना की तरफ से। तो जो अर्जेंटीना की गवर्नमेंट है वो रेगुलेशन लेके आ रही है क्रिप्टो के अंदर अपनी कंट्री में, तो भैया इंडिया के अंदर पता नहीं कब आएंगे, लेकिन देख लो आप सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही हैं क्रिप्टो को। अच्छा, बात कर लेते हैं शिबाइनू की। तो मेरे भाई जो शिबाइनू जहाँ पर है, मेरे हिसाब से यहाँ से पोटेंशियल है कि शिबाइनू में थोड़ा सा और आपको पंप देखने के लिए मिले, लेकिन लॉन्ग मत करना, जो आपके पास उस स्पॉट पे होल्ड है उसको होल्ड करके रखना। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, पहले आपको जो मेन ऑल्टकॉइन है उनमें पंप दिखेगा, फिर उसके बाद आपको मीम टोकन के अंदर पंप देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। क्रिप्टो करेंसी जिंदाबाद, क्रिप्टो मार्केट जिंदाबाद, क्रिप्टो इन्वेस्टर जिंदाबाद। अभी तक बाइनेंस के ऊपर नहीं आए हो, मेरा रेफरल कोड यूज़ नहीं करा है, तो भैया यूज़ करो, आओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। क्रिप्टो करेंसी जिंदाबाद, क्रिप्टो मार्केट जिंदाबाद, क्रिप्टो इन्वेस्टर जिंदाबाद।